हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, इस कहानी में एक शादीशुदा आदमी को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की दूसरे लड़कों के साथ टपाटप करती थी, जिसे रोकने के लिए वो आशिक उस लड़की के हाथ पैर काट देता है और फिर खुद उसके साथ टपाटप करता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम निक होता है। वो अपनी माँ को पराए मर्दों के साथ देखता है क्योंकि उसकी माँ का बहुत लोगों के साथ अफेयर था। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ निक काफ़ी बड़ा हो गया है और उसकी माँ की डेथ हो गई है। उसके बाद निक हॉस्पिटल जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि निक एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। हॉस्पिटल के बाद निक अपने घर जाता है। निक वहाँ पहुँच करके काफ़ी रोने लगता है क्योंकि वहाँ पर ही उसका बचपन बीता था। शाम को वो डॉक्टर लॉरेंस के साथ एक क्लब में जाता है जहाँ वो हेलेना नाम की एक खूबसूरत सी लड़की को देखता है, जिसे देख करके निक के दिल में घंटी बजने लगती है। दरअसल निक हेलेना को पहले से जानता था और कुछ समय पहले ये दोनों रिलेशन में थे और बाद में हेलेना ने निक को छोड़ दिया था, पर निक अभी भी इस आस में था कि एक दिन हेलेना लौट करके ज़रूर आएगी। रात में निक अपनी वाइफ के साथ डिनर करने के बाद जॉगिंग के लिए जाता है। रास्ते में उसे हेलेना की कार दिखाई देती है और वो हेलेना के घर चला जाता है, पर गेट नॉक करने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे देखने लगता है। हेलेना अकेली ड्रिंक ले रही थी, तभी निक को पता चलता है कि वो अकेली नहीं है और उसके साथ रे नाम का एक लड़का है जो उसके साथ टपाटप कर रहा है, जिसे देख करके निक अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वो रास्ते में टेलीफोन बूथ पर आकर लॉरेंस को कॉल करके बोलता है कि मुझे हेलेना वापस चाहिए। लॉरेंस बोलता है कि तुम उसे भूल जाओ और तुम अपनी वाइफ एनी के बारे में सोचो, जिसके बाद निक अपने घर चला जाता है। अगले दिन निक अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखता है और रात में वो हेलेना के घर के बाहर गाड़ी लगा करके उसकी एक झलक का इंतज़ार करता है, लेकिन निक इंतज़ार करते करते सो जाता है पर हेलेना नहीं आती है। इधर एनी निक के आने का इंतज़ार करते करते सोफे पर ही सो जाती है। तब अचानक से निक की आँख खुलती है और वो भागते हुए एनी के पास जाता है। घर आने पर उसे पता चलता है कि एनी सो चुकी है, लेकिन निक अभी नहीं सोता है क्योंकि उसे प्यार का बुखार जो चढ़ा हुआ था। वो उसी टाइम हेलेना को कॉल करता है। हेलेना भी नींद ख़राब करके बहुत मेहमान से गपागप कर रही थी। फ़ोन उठाने के बाद निक को उसकी गपागप की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण निक की बात करने की हिम्मत नहीं होती और वो फ़ोन काट देता है। इधर हेलेना का भी मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि रे उसे खुश नहीं कर पा रहा था। दोनों के बीच इसी बात से बहस हो जाती है और रे वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रे फिर से हेलेना के घर पर आकर के उसे क्लब जाने के लिए इनवाइट करता है, पर हेलेना बोलती है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे एक छोटी सी पार्टी में जाना है और कल मैं मैक्सिको चली जाऊँगी, जिसे सुनकर के रे उससे गुस्सा होकर के वहाँ से चला जाता है। शाम को निक के घर पर पार्टी थी और सारे गेस्ट आए हुए थे, लेकिन निक की निगाहें किसी और को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में हेलेना वहाँ आती है और निक उसे देख करके काफ़ी खुश होता है। हेलेना निक से बोलती है कि अब तुम यहाँ रहते हो। निक बोलता है कि हाँ, ये मेरा घर है। हेलेना निक को अपना बैग दे करके पार्टी एंजॉय करने लगती है। तभी एक रजल नाम का आदमी निक से पूछता है कि वो लड़की कौन है, जिस पर निक बोलता है कि उसका नाम हेलेना है। रजल निक से बोलता है तुम यहीं रुको, और रजल हेलेना के पास जा करके उसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है, जिसे देख करके निक को बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में हेलेना अपने कपड़े उतार करके पार्टी में ही नहाने लगती है, जिससे पार्टी के सभी लोग उसे नोटिस करने लगते हैं, जिसके बाद एनी निक को अकेले में ले जा करके पूछती है कि तुम्हें हेलेना को इनवाइट क्यों किया, क्या तुम उसके साथ पहले सोए थे, जिसके कारण दोनों में बहस होने लगती है। थोड़ी देर में हेलेना और रजल दोनों निक से बोलते हैं कि पार्टी बहुत अच्छी थी और हम दोनों सोने जा रहे हैं, जिसे सुन करके निक को काफ़ी बुरा लगता है और निक मन ही मन सोचता है कि मुझ में क्या कमी थी। अगले दिन हेलेना फिर से निक को कॉल करती है और बोलती है कि मेरा बैग तुम्हारे पास है और मुझे एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है, इसलिए तुम मेरा बैग ज़रा एयरपोर्ट तक पहुंचा दो। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद निक उसका वेट करता है और हेलेना आते ही निक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसे निक चूतिया इंसान लगता था। तभी वो देखती है कि उसके बैग में एड्रेस बुक नहीं है, जिससे हेलेना और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है।
निक उससे बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद तुम्हारा एड्रेस बुक घर पे रह गया होगा, तो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दोबारा एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। घर पहुंचने के बाद निक उसे खाने के लिए पूछता है, लेकिन हेलेना उसे साफ मना कर देती है। तब निक बोलता है कि तुम बस एक ड्रिंक ले लो, जिस पर हेलेना एक ड्रिंक लेती है। वो निक से अपना एड्रेस बुक मांगती है और निक उसे बुक दे देता है, लेकिन निक के बुक देने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि उसने जानबूझ करके वो बुक को छुपा रखा था। इसके बाद हेलेना गुस्से में वहाँ से पैदल जाने लगती है। निक उसे पीछे से आवाज़ लगाने लगता है और सड़क पर खड़ी होकर हेलेना उससे बात करने लगती है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और हेलेना का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी हेलेना के दोनों पैर को कुचल देती है। तभी सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ निक के बारे में बात चल रही थी कि निक काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल नहीं आया है, या तो उसने काम छोड़ दिया है या कुछ और रीज़न होना चाहिए। शाम को डॉक्टर लॉरेंस निक से मिलने जाते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे। तब लॉरेंस को निक के कमरे में एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ वो दोनों जा कर के देखते हैं कि हेलेना को होश आ गया था, जिसे देख करके डॉक्टर लॉरेंस भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। निक डॉक्टर लॉरेंस से बोलता है कि हेलेना का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके दोनों पैर डैमेज हो गए थे और फाइनली मुझे उसके दोनों पैर काटने पड़े। अब वो यहाँ सेफ है और मैं उसकी पूरी देखभाल करूँगा, लेकिन इसके बारे में तुम किसी और को कुछ भी मत बताना। और निक लॉरेंस को वहाँ से वापस भेज देता है। अगले दिन जब हेलेना की आंखें खुलती है तो पैर ना होने की वजह से उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो काफ़ी रोने लगती है। निक उसे समझाता है और प्यार से उसकी देखभाल करने लगता है, लेकिन हेलेना अपनी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ निक को मानती है। वो निक को दोषी मानते हुए बोलती है कि अगर तुमने मुझे उस दिन वो बुक वहीं दे दी होती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। जिस पर निक बोलता है कि तुम जिंदा हो वही बहुत है मेरे लिए। हेलेना उसे चीजें फेंक करके मारने लगती है। अगले दिन निक घर के सारे दरवाजे विंडो सबको लॉक कर देता है, जिस पर हेलेना उसे पूछती है कि तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो। निक बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। हेलेना बोलती है कि तुम मेरा ख्याल कभी नहीं रख सकते, और अगर ऐसा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उसके बाद निक हेलेना को मनाने लगता है, लेकिन हेलेना उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके कारण उसके प्यार का भूत थोड़ी ही देर के लिए साइलेंट हो जाता है। इधर रे भी जगह जगह हेलेना को ढूंढ रहा था। एक दिन निक की वाइफ उससे मिलने के लिए आती है, जिसे देख करके हेलेना काफ़ी चिल्लाने लगती है, पर निक उसके मुँह पर कपड़ा बांध करके उसे चुप करवा देता है। एनी ने काफ़ी दिन से टपाटप भी नहीं किया था, इसलिए वो आते ही निक के साथ उसका मज़ा लेना चाहती थी, जिसे चुपके से हेलेना भी देख रही थी। निक को एनी में हेलेना नज़र आ रही थी और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता था, लेकिन थोड़ी देर में निक का मूड और तबीयत दोनों ख़राब हो जाता है, जिसे देख करके एनी बोलती है कि हम फिर कभी और करेंगे। निक एनी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, जिसके कारण वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और निक भी यही चाहता था। रे भी गार्डन में चुपके से उसे देख रहा था, क्योंकि उसे निक पर शक था, क्योंकि रे के हिसाब से हेलेना लास्ट टाइम निक के पार्टी में आई थी। अगले दिन निक और हेलेना में बहस हो जाती है और हेलेना उसका गला दबाने लगती है, जिसके बाद निक हेलेना के दोनों हाथ काट देता है। एक दिन हेलेना निक से पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उससे गन मंगवाती है और बोलती है कि तुम मुझे शूट कर दो, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर होगा। पर निक उसे शूट नहीं कर पाता है। दूसरे दिन निक एक नई लड़की को बुला करके उसके साथ टपाटप करता है, जिसे हेलेना भी काफ़ी इंजॉय करती है। अगले दिन हेलेना निक से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। निक बोलता है कि हाँ। हेलेना बोलती है मुझे किस करो और किस करने के बाद टपाटप भी करो, लेकिन टपाटप करने के बीच में वहाँ रे आ जाता है और वो हेलेना की ये हालत देख करके निक पर बहुत गुस्सा करता है और उसे मारने लगता है। वो निक को जान से मारने वाला था, लेकिन हेलेना बोलती है कि तुम उसे छोड़ दो और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। रे वहाँ से चला जाता है और हेलेना ज़ोर ज़ोर से निक को आवाज़ लगा करके उठाने लगती है। जब निक की आँख खुलती है तो वो देखता है कि ये सब कुछ एक सपना था। हेलेना का बस पैर फ्रैक्चर हुआ था और उसके हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत थे। लास्ट में हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ निक की ओवरथिंकिंग के वजह से हो रहा था और निक की मेंटल कंडीशन को ज़्यादा ठीक नहीं थी, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो